ये देखिए किस तरह से सिलेक्शन हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फोटोशॉप के अंदर एक ये नया फीचर है जिससे एक क्लिक करते ही फोटो के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते हैं। कोई कटिंग करने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, वो कटिंग ऑटोमेटिक ही हो जाती है। तो ये जबरदस्त सा टूल है। देखिए मेरे पास में अभी जो फोटोशॉप है एकदम लेटेस्ट वर्जन है, अडोब फोटोशॉप 2023 है, वैसे 22 से ये ऑप्शन आ गया था। यहाँ पर है ये देखिए, और ये जो टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, आपको इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, टूल को ऑटोमेटिक उस फोटो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया, साफा है इसको भी कर लिया, ये प्लग है इसको भी कर लिया, इधर इस ऑब्जेक्ट को भी कर लिया ऐसे। और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर कुछ सेटिंग है, सिंपल सी है कि ये जो कलर ग्रीन है उसको आप अगर पर्पल या मैजेंटा इस तरह से देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से जितने ऑब्जेक्ट होंगे इस पर क्लिक करेंगे तो सारे दिखा देगा, लेकिन इससे रिफ्रेश कर सकते हैं दोबारा, ये जैसे घूमेगा रिफ्रेश होगा तो एक बार फिर से इसके अंदर ये एनालाइज करेगा। अब जैसे मुझे सब कर लिया एनालाइज, मुझे ये मेरी फ़ोटो जो है यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा, टूल ही सेलेक्ट है, जैसे अब क्लिक करूँगा इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, ये पार्ट रह गया। तो मैं शिफ्ट दबा करके फिर इसको जो है वो मैकबुक है तो शॉर्टकट में शायद ये शिफ्ट तो मैकबुक और विंडोज़ दोनों में काम करेगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक रफली मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट कर लिया। एक ये पार्ट है, इसको मैं मैकबुक के अंदर ऑप्शन दबा रहा हूँ और रफली इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक इतना माइनस हो गया, इसको फिर से प्लस कर दिया रफली, तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब आप इसे किसी भी तरीके से काम में ले सकते हैं, जैसे कि मास्क बना दिया या फेदर दे करके नया लेयर बना दिया कंट्रोल जे करके, ये देखिए इस तरह से। और दूसरा किसी भी फोटो, अब ये है तो इसके ऊपर अगर आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे, ये देखिए ये इस तरह से पार्ट, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से रिमूव ही करना है तो शिफ्ट के साथ में डिलीट दबा रहा हूँ मैं मैकबुक के अंदर, जैसे ही तो कंटेंट अवेयर टूल से ये एकदम साफ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट ये फोटो है तो ये सिलेक्ट किया टूल और देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट है इसमें भी पतंगे ये तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इतने सारे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं। ये और है फिश है मेरे पास में तो ये भी पूरा इस तरह से सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में और आगे चलते हैं, ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी नाव है। अब ये देखिए अब इस गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी सिलेक्ट हो गई, लेकिन अगर अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको करना है तो उसके ऊपर लेके जाएंगे, ये व्यक्ति सिलेक्ट हो गया। मुझे इस गाड़ी का पहिया चाहिए तो ये लीजिए ये सिलेक्ट हो गया, नया लेयर बना लिया कमांड जे से, और उसके बाद में ये लो बड़ा कर दिया इतना पहिया, इसको साइड में ले जाकर भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से इस टूल से जो हम लोग हैं बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जस्ट सिलेक्ट करना है क्लिक करके।